नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। एक साइकिलिस्ट है जो बिना पैडल मारे ही सबसे आगे निकल जाता है। एक वाटर बाइक है जो पानी की सतह से 2 फीट ऊपर हवा में चलती है। एक नदी है जिसमें 2.5 किलोमीटर तक बर्फ की सफेद फव्वारे फूटते हैं। ये उन तस्वीरों का जिक्र है जिनको देखकर वाकई में यकीन नहीं होता, लगता है कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है। हमारे इस कास्ट शो में आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे उनके पीछे की कहानी। सबसे पहले आप दुनिया की अनोखी वाटर बाइक देखिए और हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये पानी से कुछ फीट ऊपर चलती है। समझिए इसका असली राज। समंदर या फिर झील में तफरी करनी हो तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आपके पास एक वाटर बाइक हो। बस उस पर सवार होइए, एक्सीलेटर घुमाइए और निकल जाइए जहां जी चाहे। लहरों के ऊपर या ठहरे पानी पर कहीं भी इस इलेक्ट्रिक वाटर स्कूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। पर जरा ठहरिए, ये वाटर बाइक दूसरों जैसी नहीं है, कुछ अलग है। यहां देखिए, ये वाटर बाइक पानी से ऊपर हवा में है। चौंक गए ना आप, क्या ऐसा मुमकिन है कि बाइक बिना किसी सपोर्ट के पानी के ऊपर हवा में उड़ रही हो? पर देखने में तो ऐसा ही लग रहा है। और फिर लग क्या रहा है, ये तो दिख ही रहा है। और हवा में सिर्फ यही एक वाटर बाइक नहीं है, बल्कि यहाँ एक बोट भी है जो पानी में सतह के ऊपर उड़ रही है। एक सर्फर भी है जो अपनी सर्फिंग बोट पर उछलता हुआ तेजी से झील में सर्फिंग कर रहा है। इसका भी सर्फिंग बोट हवा में ही अटका हुआ है। कैसे पानी से ऊपर उड़ रही है वाटर बाइक, कैसे हवा में है बोट और सर्फिंग बोर्ड, क्या ये कोई खास तकनीक है? तो आखिरी सवाल से ही शुरू करते हैं। जी हाँ, ये खास तकनीक है जिसे कहते हैं हाइड्रोफॉइल टेक्नोलॉजी। पानी में ये तकनीक सर्फिंग बोट से लेकर बोट और वाटर बाइक तक में इस्तेमाल हो रही है। और इस हाइड्रोफॉइल बाइक को बनाया है ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने। नाम दिया है जेट स्की वेफ्लायर। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पार्टनरशिप के तहत तैयार किया गया है। ये हाइड्रोफॉइल प्रोपल्शन सिस्टम की मदद से पानी की सतह से काफी ऊंचाई पर चलती है। कंपनी का कहना है कि ये आम जेट स्की से काफी शांत, स्मूथ और एनर्जी एफिशिएंट है। ये दिखने में तो आम जेट स्की की तरह ही है, लेकिन ये पानी पर नहीं बल्कि पानी की सतह से काफी ऊंचाई पर चलती है। दावा ये किया जा रहा है कि ये दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक हाइड्रोफॉइल पर्सनल वाटर क्राफ्ट है और पारंपरिक जेट स्की की तुलना में काफी हल्का और उसे कई गुना तेज है। तो आखिर ये हाइड्रोफॉइल टेक्नोलॉजी काम करती कैसे है, इसे भी तो समझना चाहिए। तो देखते जाइए, यहां देखिए, इस जेट स्की वेफ्लायर के बेस में एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसे हाइड्रोफॉइल कहते हैं। पानी में नीचे की तरफ वो कुछ ऐसा दिखता है, आगे की तरफ थोड़ा ब्लंट लेकिन पीछे की तरफ शार्प और पतला। जब हाइड्रोफॉइल पानी में आगे की तरफ बढ़ता है तो पानी के पार्टिकल्स को 2 हिस्सों में बांटता है। एक इसके ऊपर से दूसरी तरफ नीचे जाते हैं। ऊपर वाले पार्टिकल पीछे की ओर स्लोप होने की वजह से नीचे की तरफ एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे ये हाइड्रोफॉइल पानी की सतह पर ऊपर की तरफ आ जाता है। और उसके ऊपर लगा ये जेट स्की वेफ्लायर भी। जेट स्की वेफ्लायर में स्टेबलाइज्ड ट्विन हाइड्रोफॉइल प्रोपल्शन सिस्टम होता है, जिसकी मदद से ये इलेक्ट्रिक जेट स्की पानी की सतह चीरते हुए ऊंचाई पर ऐसे चलती है मानो उड़ रही हो। सिंगल चार्जिंग में ये 30 मिनट तक चल सकती है। इसकी स्पीड सामान्य वाटर बाइक या स्की की तुलना में कहीं ज्यादा होती है। क्यों होती है, जरा इसे भी समझिए। दरअसल होता यह है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई बोट या स्की पानी में होता है तो इसकी पूरी सतह पर पानी का एक फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल काम करता है, जो पानी पर इसकी स्पीड की दिशा के विपरीत होता है। अरे वही,
न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्रिया बनाम प्रतिक्रिया। ये फ्रिक्शन या घर्षण बल पानी में बोट, सर्फिंग बोट, सेल बोट, स्की, हर किसी पर लागू होता है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट या चीजें पानी की सतह से ऊपर उठती हैं, घर्षण बल कम हो जाता है और स्पीड सामान्य से कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि सेल बोट रेसिंग में इस तकनीक का जमकर इस्तेमाल होता है। तेज हवा और पानी के भीतर मौजूद हाइड्रोफॉयल मिलकर बोट्स को पानी से ऊपर उड़ाते हैं और फिर ऐसी लाजवाब स्पीड और तस्वीरें मिलती हैं। तो हाइड्रोफॉयल की तकनीक है ना लाजवाब, स्पीड भी है, एडवेंचर भी जमकर है। इस इलेक्ट्रिक जेट स्की में 2 kWh की बैटरी लगी हुई है। पेट्रोल से चलने की तुलना में ये ज्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि न तो इसमें आवाज है न धुआं है, मतलब ये है नॉइस और एयर पोल्यूशन फ्री पर्सनल वाटर व्हीकल। टीम न्यूज़ नेशन।